गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मुते पूजामूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलं गुरु कृपा ही केवलं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम श्री निखिलेश्वराय नमः। पंचपूजनम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हमारे तंत्र के मार्ग मंत्र का मार्ग है। हम लोग जो पूजा करते हैं उपासना करते हैं उसमें ज़्यादातर मंत्र पे ध्यान दिया जाता है। गुरु मंत्र देते हैं और शिष्य लोग उस मंत्र का जाप करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, देवता का आवरण पूजन करते हैं। ये पूजन अर्चन गृहस्थ अपने घर में करता है और तीर्थ स्थानों पे देव दर्शन जाके मंदिरों में भी पूजा कर लेता है। तो हमारा जो मार्ग है एक गृहस्थ का मार्ग है। हम लोग कोई अघोरी नहीं है, हम लोग समाज से बाहर नहीं है। बहुत मुश्किलों के बाद हम समाज में आए हैं और गृहस्थ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। हमारा मुख्य देवता जो है शिव और शक्ति है और उसकी महाविद्या 10 महाविद्या जो है वही हमारी उपासना का प्रयोजन है। गुरु के प्रभाव से और अपने भाव से मंत्र जप तो कर लिया और देवता का दर्शन भी कर लिया, लेकिन जो थियोरिटिकल पार्ट्स होता है वेद उपनिषद गीता जी महाभारत या अन्य शास्त्रीय ग्रंथ, उनसे हम लोग अछूते रहे हैं क्योंकि वो हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं रहा था। लेकिन हमें अपने आप को जानना जरूरी है। जो हमारे गुरु बोलते हैं वही उनकी मैगजीन में छपता है और उसी में से ये जो थियोरेटिकल पार्ट है जो एसेंशियल है इस मंत्र के मार्ग पे तंत्र को समझने के लिए, कि मनुष्य का जो शरीर है हमें दिखता है ये पुरुष है ये स्त्री है ये गोरा है ये मोटा है ये नाटा है ये अफ्रीकन है ये अमेरिकन है ये इंडियन है ये चाइनीज है, ये सब हमें जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। मनुष्य के भौतिक जीवन की बहुत सारी क्रियाकलापें इसी शरीर के माध्यम से होती है और इस शरीर का जो मुख्य शक्ति है जिससे वो काम करता है वो है अन्न। जैसा हम अन्न खाते हैं उसी से ये शरीर बन जाता है, बनता रहता है, निकलता रहता है, बनता रहता है। तो शरीर बनता बिगड़ता इसी अन्न से हुई, इसलिए हम इनको अन्नमय कोष कहते हैं। फिर दूसरा जो कोष आता है वो प्राणमय कोष कहते हैं हम उसको। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा है एनर्जीज हैं वो प्राणमय शरीर में होती हैं। ये भौतिक दृष्टि से
विज्ञान की पहुंच जो है अभी स्थूल शरीर तक ही है। तो ऊर्जा का जो जाला होता है, जो नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं प्राणमय शरीर। उसके बाद आता है मनोमय शरीर, तीसरा है मनोमय शरीर। तो इस मनोमय शरीर, उसका खुराक होता है विचार। हम कौन से विचार अपने मन में डालते हैं, हम कौन से शब्द अपने उस मन पे ले जाते हैं, उसी से वो मनोमय शरीर बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये उसकी खुराक है। तो विचार जो है, ये विचार हमारे संग्रहित हो जाते हैं, और हम जब ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, अन्नमय कोष छोड़ देते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में मृत्यु कहते हैं, जब वो शरीर छूट जाता है, तब मनोमय शरीर प्राण ऊर्जा निकल जाती है और मनोमय शरीर बाहर चला जाता है, और फिर से अपने कर्म से, प्रारब्ध से, इच्छा से जन्म ले लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। तो तीन शरीर होते हैं, इतना ही समझ लीजिए। स्थूल शरीर, जिसको स्थूल कोष बोलते हैं, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर। बस ये इतना ही जरूरी है और इतना ही बताया है। और ये हम जाने या न जाने, इससे कोई हमें बाधा आती है, नहीं आती है, लेकिन ये जानने से हमारा जो विश्वास है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है। इसलिए ये तीन चीज़ को जानना, मतलब कि ये है, ये मानना जरूरी है। अब आप कहोगे इसको पुरवार कैसे करोगे, भाई स्थूल शरीर तो आप ही हैं, एक शरीर तो पुरवार हो गया, और आपको पता है, आप विचार कर सकते हैं। तो मान लो कि मनोमय शरीर भी पुरवार हो गया, प्राण शरीर, कभी आप थक जाते हैं, कभी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, सूर्य अपना गायत्री मंत्र जो है, सूर्य की ऊर्जा जो है, हम प्राण शरीर में स्थापित कर सकते हैं गायत्री मंत्र से। तो इतना ही है, ज़्यादा जानना है तो फिर और ग्रंथों का अभ्यास कीजिए, लेकिन उस पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु इतना सक्षम है, इतना प्रबल है, कि उनके दिए हुए मंत्र के जाप से ही आप देवता से मुलाकात कर सकते हैं, आप देवता से काम करवा सकते हैं, आप देवता का अनुग्रह कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आप देवता को कुछ दे सकते हैं और ले सकते हैं। मंत्र से देवता दर्शन भी देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान होना भी जरूरी है, जिससे हम संशय में ना पड़े।